नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिरकर तुझे है संभलना ये ठोकरें ही चलना सिखाएंगी। हमारे समाज में जब घर से बात बाहर निकलकर काम करने की आती है तो महिलाओं को अक्सर ताने सुनने को मिलते हैं। हम ऐसी महिलाओं से आपको लगातार मिलवा रहे हैं जो इन तानों को पीछे छोड़कर घर से बाहर निकली तो कुछ कर दिखाया। एक छोटी सी बेटी की एक छोटी सी कोशिश आज के एपिसोड में देखिए और चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश। ये है भोपाल का अनीता लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर। इस पार्लर को चलाती हैं अनीता सराठे। 15 साल पहले अनीता के मन में कुछ नया करने का विचार आया। उन्होंने जेंट्स पार्लर खोलने का फैसला किया। लेकिन जेंट्स पार्लर में एक बेटी का काम करने का फैसला समाज के लिए नया था, मगर माता पिता ने अपनी बेटी के फैसले में पूरा साथ दिया। नहीं सर, कभी उन लोगों ने टोका नहीं मुझे। मुझे और अच्छा प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया, आगे बढ़ने के लिए हमेशा उन्होंने प्रेरित करा है। इसमें मेरी मम्मी का सहयोग बहुत रहा है। अपने पैरों पर खड़े होने की चाह ने अनीता को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हर कदम नए संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन अनीता ने कभी हार नहीं मानी। हर वो काम सीखा जो जेंट्स पार्लर में पुरुष कर सकते हैं। धीरे धीरे अनीता की मेहनत रंग लाई और पार्लर मशहूर हो गया। आज लोग अनीता के हुनर की तारीफ करते नहीं थकते। उस टाइम तो ऐसा किसी को मालूम नहीं था कि एक लड़की जेंट्स का काम कर सकती है, उस टाइप का माहौल नहीं था। लेकिन मैंने जब पार्लर डाला तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। लोगों ने सराहना भी किया कि चलो भाई, एक लड़की आगे बढ़ के जेंट्स पार्लर चला रही है, हमारे लिए भी एक अच्छा पार्लर खुल गया है। तो मुझे अच्छा लगा पार्लर डाल के। अनीता की सफलता में पति राजेश का साथ बेहद अहम साबित हुआ है। अनीता के हर फैसले में उनके पति राजेश ने सहयोग किया और अनीता को घर से बाहर निकलकर कुछ कर दिखाने का पूरा मौका दिया। राजेश का कहना है कि उन्हें अनीता का पति होने पर नाज है। मुझे अपनी पत्नी पे बहुत गर्व है, क्योंकि मेरी पत्नी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अपनी पत्नी पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें इस मर्दों के क्षेत्र में जो ब्यूटी पार्लर चला रही हैं हस्तक्षेप करने का मौका दिया। अनीता ने साबित कर दिखाया है कि अगर हौसला हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। बेटियां हर वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, जरूरत है उन्हें मौका देने की। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। समाज में महिलाओं को सम्मानित स्थान दिलाने के लिए पुरुषवादी सोच की बेड़ियों को तोड़ना बेहद जरूरी है। परंपरा के नाम पर चले आ रहे ऐसे रीति रिवाज जो बेटियों से उनका हक छीनते हैं, उन्हें मिटाना होगा। और इस काम में अनीता जैसी बेटियां अहम योगदान दे रही हैं। तो कल के एपिसोड में आपको मिलवाएंगे ऐसी ही एक और बेटी से जिसने फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में नाम हासिल किया है।